अक्सर आपने देखा है कि सेब पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जहां तापमान भी कम होता है और वहां पर सेब की भरपूर फसल होती है। लेकिन बड़सर उपमंडल के गांव गनो राजपूतना के 76 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक ओंकार ठाकुर ने घर में सेब उगाकर मिसाल पेश की है, जिनकी लोगों में जमकर सराहना की जा रही है। बड़सर उपमंडल के गांव कन्नो राजपूतना के 76 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक ओंकार ठाकुर ने 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी अपने घर में सेब की फसल को कामयाब किया है। ओंकार ठाकुर ने बताया कि 4 वर्ष पहले उन्होंने बिलासपुर जिला के दधोल नर्सरी से 5 सेब के पौधे लाए थे, जिनमें से 4 पौधे पूरी तरह से सफल हुए। उन्होंने बताया कि इन पौधों ने दूसरे साल छोटे छोटे सेब की फसल देना शुरू किया, तीसरे साल इन पर बड़े बड़े सेब लगे। इस बार सभी पेड़ों पर भरपूर सेब लगे हुए हैं, जिनका साइज भी काफी बड़ा है। वहीं ओंकार ठाकुर ने किसानों और बागवानों को संदेश देते हुए कहा कि जिन किसानों ने अपनी भूमि को बंजर छोड़ा है, इस तरह के फलीय पौधे अपनी जमीन में लगाकर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। सेब के पौधे लगाए सर, मेरे दिल में पहले से ही बागवानी या फ्रूट वगैरह लगाने का शौक था, तो उसके अनुसार फिर मैंने अब ये 4 साल पहले लगाए हैं और इसकी नर्सरी में दधोल से लाया था। उन्होंने मुझे 3 वरायटियाँ दी थी कि जो आपके घर में आपके ज़मीन में अच्छी चलेगी वो वरायटी आप और बढ़ा लेना। उनको ये संदेश दूंगा कि ये थोड़े से मतलब अपनी थोड़ी सी एफर्ट से थोड़े से मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका 4x4 खड्डा बनाना है और उसको गोबर से और मिट्टी से भरना है, और जो पौधा देता है वो गारंटी देता है कि अगर दूसरे साल फल ना दे तो पैसे वापस ले जाना। वहीं ओंकार ठाकुर के बेटे निर्मल सिंह ने भी सेब लगने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में